वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैं गया था बर्फीले एरिया में और वहां के सारे पेल्स मैंने पकड़ लिए। हाँ, कुछ बॉस पेल्स है जो कि नहीं पकड़े, वो अपन आने वाले समय में पकड़ लेंगे। बट आज अपन सबसे पहले अपने आपको अपग्रेड करने वाले हैं और उसके बाद अपन एक नई जगह जाने वाले हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले जो अपग्रेडेशन अपन कर सकते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि मेनली मेरे को बनाने और पैल बॉक्सेस, जिससे कि अपन और बेस बना सके। क्योंकि अभी मैं एक और पाल बेस नहीं बना सकता हूँ, मुझे करना होगा अपग्रेड। जैसे ये देखो, हट जाओ सामने से हट जाओ। देखो बगल में लिखा रहा है कैन नॉट बिल्ड मोर बेसेस इंक्रीज योर लेवल। तो अपने को इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी पाल बॉक्स की लेवल। अगर अभी अपन ने बेस को 14 लेवल का कर दिया तो अपने को एक बेनिफिट मिलेगा जिसके अंदर होगा मैक्स नंबर ऑफ बेसेस इज 3। तो अभी अपन दो बना सकते हैं जो कि अपन ने बना रखा है, लेकिन इसको एक बार करते हैं अपन 3 बना सकेंगे। तो इसको अपग्रेड करने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा एक तो वेपन असेंबली लाइन, जो कि शायद खुली नहीं है, मेरी लेवल कम थी, और हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग, ये जो कि मेरा खुल गया है। एक सेकंड, 32 लेवल कब हुई मेरी? ओके, अभी हुई है फिलहाल, जस्ट कुछ देर पहले शायद। तो वेपन असेंबली लाइन खुल जानी चाहिए, देखने दो। ओके, वेपन असेंबली लाइन खुल गई है और हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग भी खुल गया है। दोनों बनाते हैं और बेस अपग्रेड करते हैं, और देखना गाइस जो एक और बेस बनाऊंगा ना वो इतना तगड़ा बनाऊंगा, बट उसमें से मैं ये फार्मिंग उठाऊंगा, फार्मिंग के लिए एक अलग बेस हो जाएगा क्योंकि खाने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मुझे एक काम करने दो, अपन बनाते हैं एक वेपन असेंबली लाइन। ओके, वेपन असेंबली लाइन आ गई है ये री, जिसके लिए अपने को नेल्स की कमी पड़ रही है और इंगट की। अरे इंगट की कमी पड़ रही है भाई, अभी भी थी भाई इंगट की कमी। मतलब ये लो देखो, मैंने बोला था ना 129, तो इसमें बन रखे हैं। आ जा भाई, ले क्यों नहीं रही है? इन्वेंटरी फुल। ओके, एक तो सारा सामान भी तो पड़ा है, इनको भी हटाऊं यार। पहले सबसे पहले इंगट रख देता हूं, इसके अंदर 141 इंगट्स हो गए जो कि अभी के लिए काफी होंगे, बाकी मैं अपने उस दूसरे बेस पे जाके ले आऊंगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बनाते हैं, नेल्स की कमी है ना। हाँ, नेल्स। और ये अबे इसको फ्रैक्चर कैसे हो गया? इस आदमी को फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, इतना बड़ा आदमी है ये। चलो अभी मेरे को नेल्स बनाने थे, सबसे पहले नेल्स नेल्स नेल्स, ये 10 नेल्स बनाने। तो 1 2 3 4 5, इसमें 10 बन जाएंगे, पर ठीक है मैं और बना देता हूं 10। अरे ओके, इतने अपन इसको प्रोडक्शन में लगा देते हैं जब तक ये बनता है। जब तक मैं हॉट स्प्रिंग के लिए क्या क्या चाहिए होगा ये देख लेता हूं। सीमेंट चाहिए इसके लिए, सीमेंट मैंने अभी बनवाया था, शायद मैंने उसकी स्फीयर्स बनवा दी थी। ओके, इस पे ये बनने दो यार, मैं तो ये एडवांस वाली यूज करता रहता हूं, असेंबली लाइन तो यूज ही नहीं होती। देखो इसमें, ओके मैंने बोला था ना सीमेंट मैंने बनवा रखा है, बट इतना सारा हो गया, क्या करूं। सबसे बढ़िया चीज, एक ड्रम रखते हैं इधर, क्योंकि ड्रम ज्यादा अच्छा लगता है। इधर रखो ड्रम, इसको बनाओ। तो इस ड्रम के अंदर अपन रखवा देते हैं सारा सीमेंट। अभी सीमेंट बन गया है, मतलब अपना हॉट स्प्रिंग बन सकता है। तो अबे यार ये बहुत बड़ा है भाई, बनाऊं कहां इसको मैं? इसको उठा के अगर मैं इसको यहां लगाना चाहूं तो लग जाएगा? नहीं यार, पानी में भी तो लग नहीं रहा है। वो लग जाएगा, लेकिन यार थोड़ा ऊपर लगे तो ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड देखने दो यार, ये यहां लग जाता ना। एक सेकंड, मेरे पास एक और आइडिया है जो कि है ये, अगर मैं वुडन फाउंडेशन यहां लगा, वुडन फाउंडेशन नहीं लग रहा भाई, क्यों? इतना ऊपर लग जाएगा बट नहीं लग रहा है, यहाँ तक लग सकता है। अगर इसको लगा के मैं ये बनाऊं, एक बार इसको बना के देख यार, 2 मिनट में बनेगा, लेकिन ठीक है शायद मेरे को लग रहा है सही बनेगा, क्योंकि यार पानी के हवा में है ये, पर इधर कौन देखने जा रहा है। एक बार बनने दो मेरे को, देखना ये कैसा लगेगा। डन, ये बन गया है और मैं फंस गया हूँ इसके अंदर। हट जाओ गाइस, ये देखो क्या सही लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर से कौन देख रहा है भाई, इधर से कौन देख रहा है कि हवा में, और इतना हवा में पत्थर हो सकता है? सपोर्ट लगा रखा है भाई, मस्त एकदम, मजा आ गया। चलो ये हॉट स्प्रिंग उठा दूं क्या मैं पुराना वाला? अगर मैं 2 हॉट स्प्रिंग लगा सकता हूँ क्या? अगर मैं 2 हॉट स्प्रिंग लगा सकता हूँ तो इसको उठा देता हूँ और इसी वाले हॉट स्प्रिंग को एक और लगा देता हूँ, जिससे इधर से हवा में नहीं दिखेगा। रुको, ओके, लग तो रहा था कहीं यहाँ लग जाएगा गाइस। अरे हट जाना भाई, क्या दिक्कत है गाइस। एक तो मैं इन सब पेल्स को उठाने वाला हूँ यहाँ से एक बार के लिए। ये देखो यहाँ पे मैं बनाने वाला था ये, काम नहीं करने देते भाई लोग, कैसे बनेगा ये? ओके, ये वाली चीज अगर उधर की साइड आए तो मस्त लगेगी। ठीक है, ये इधर है, ये उधर चला गया, अब यहाँ लग रहा है, बट ये टेढ़ा है क्या? अभी सीधा है। डन, ये मेरे को लगता है बहुत सही लगेगा। मैंने 2 हॉट स्प्रिंग बनवा दिए इधर। एक सेकंड, मैं सबको निकाल देता हूँ वापस से, जिससे ये लोग काम करने पहुंच जाए वहाँ पे। ओके डन, सब वहीं जा रहे हैं, अभी देखते हैं गाइस क्या लगेगा ये। बनने वाला है, मैं भी काम करवा दूं थोड़ा। ओके गाइस, बन गया है। और अब देखो तुम, इधर से मत देखो तुम, ठीक है, इधर से भी देख सकते हो। अगर मैं एक यहाँ पे फाउंडेशन लगा दूं और वो ये लग जाए तो भाई, फाउंडेशन लगता भी तो नहीं है। ओके, लग रहा है बट ओके, एक इधर लगाओ, ठीक है, ये देखो ये सही लग रहा है। एक जगह मैंने वुडन फाउंडेशन लगा दिया और अब इधर से देखो गाइस, तुम दो दो अपने पास हॉट स्प्रिंग हो गए और क्या सही लग रहे हैं, दोनों में पैट्स हो रहे हैं। अभी एक चीज मैंने बनवा दी है, दूसरा बनवाना है मेरे को वेपन असेंबली लाइन, जिसके लिए जगह नहीं है, लेकिन ठीक है बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह होने वाली है अपनी इसी बेस पे, क्योंकि मैं सारे वो प्लांटेशन वाले उठाने वाला हूं और उसको अलग जगह लगाने वाला हूं। तो अपन जो वेपन असेंबली लाइन है उसको कहां बनाए एक बार देखने दो, कितनी बड़ी है ये। ओके, ये यहां बन जाएगी तो अपने पास पेड़ नहीं रहेंगे, लेकिन यार पेड़ अपने पास खूब है, पेड़ की ज्यादा
जरूरत है तो नहीं। अगर मैं इस वेपन असेंबली लाइन को इस कोने में बना दूं, ओके सही तो लग रही है, क्या दिक्कत है। अगर मैं लाइन से तीनों भी बना दूं, बट हाँ मेरा प्लान कुछ और है, लाइन से तीनों नहीं बनाने वाला, वेपन असेंबली लाइन बनाते हैं और अपने बेस को अपग्रेड करते हैं। ओके अपनी वेपन असेंबली लाइन बन गई है, और अभी देखो मैं तुम्हें ऊपर थोड़ा सा ऊपर बैठ के दिखाऊं, ये देखो गाइस ये एरिया कितना सही लग रहा है, मतलब इतना कुछ बिगड़ा भी नहीं और अपनी वेपन असेंबली लाइन बन भी गई। और ये दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो हॉट स्प्रिंग वाली जगह, अब देखो ऊपर से क्या सही लग रही है ना, और रात में तो बहुत तगड़ी लग रही है क्योंकि वो थोड़े थोड़े गैप्स नहीं दिख रहे हवा में, जो बाकी तो सारी चीजें वापस बिल्ड होने वाली है वो तुम्हें धीरे धीरे पता पड़ जाएगा। तो उससे पहले अपन इसको अपग्रेड कर देते हैं, लेट्स गो बेस अपग्रेड। और अब अगली लेवल पे अपने को रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेंगे, तो इसको मैं पहले कर दूं तो बिल्ड इंप्रूव्ड फर्नेस। इंप्रूव्ड फर्नेस कहां है भाई यार, 34 लेवल पे, अब इतना धीरे धीरे आ रहा है ना ये, लेवल 50 अभी भी अपडेट हुआ था शायद गेम बीच में, उसके बाद भी लेवल 50 है, लेवल्स और नहीं आई है, बट 34 लेवल मैं कोशिश करूंगा कि आज के एपिसोड में खोल दूं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बॉस पेल्स को धोना है। और एक गीगा गैपलिंग गन खुल गई है जो कि बहुत काम आने वाली है, तो इसको खोलते हैं। ओर माइनिंग साइट 2, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ओर माइनिंग साइट है ना, अपन ओर वाले बेस पे लगा के आ जाते हैं, ठीक है। और ये सिंगल शॉट स्फीयर ये भी खोल देते हैं, पता नहीं किस काम की है बट खोल देते हैं, ठीक है। मेरे पास सारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खत्म हो गए, और ये शायद अपन नया बॉस स्पेल मारते हैं तभी मिलते हैं, या फिर अपन एक बॉस स्पेल को जितनी बार मारे उतनी बार मिलते हैं कि नहीं, ये आज टेस्ट करेंगे। अभी अपन एक और बेस बना सकते हैं, तो मैं ढूंढूंगा कोई एकदम मस्त प्यारी सी जगह, और मैं चाह रहा हूँ कि अपना जो पुराना बेस है ना, जो ओर माइनिंग वाला बेस है, वहीं पे अपन दूसरा बेस बनाए जहाँ पे अपन सारे प्लांटिंग कराए, क्योंकि इस बेस पे ना मैं लोगों को वर्क देता हूँ, वो वर्क करते ही नहीं है। और बाकी अपने यहाँ पे देखें कितना और इकट्ठा हो गया है, लगभग 2000, मतलब अपन 1000 इंगट आराम से बना सकते हैं। और ये देखो अभी तो कितना फैला पड़ा है भाई, कितना फैला पड़ा है। और ये इन लोगों के लिए एक और माइनिंग साइट और बना देता हूँ, बट यहाँ पे इंगट और पैलेडियम फ्रेगमेंट नहीं है। छोड़ो, क्या मैं पाल बॉक्स बना सकता हूँ? ओके पाल बॉक्स मैं बना सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इधर ही कहीं बनाऊंगा, जैसे ये तो अपने बेस में आते ही है, बट अगर मैं यहाँ पे पाल यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा, मेरे को मटेरियल लाना पड़ेगा, इस वाली चेस्ट में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ही चेस्ट है। ओके अभी मैं सामान ले आया हूँ, अभी इसको बना के देखते हैं ये कितना बड़ा एरिया कवर करेगा। मेरे को लगता नहीं यार ये जितना बड़ा एरिया कवर करेगा ना उतना अपन काम में ले पाएंगे। तो इसको इधर बनाने की जगह मैं यहाँ जाके देख के आता हूँ, तो लेट्स सी। अरे यार इधर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है भाई, इनको हटवा नहीं सकते क्या परमानेंट? मस्त ओके ये, लेकिन यार यहाँ ओर्स वगैरह आए, लोग ओर्स वगैरह तोड़ने लगेंगे, बट जगह बुरी नहीं है, ठीक है यही बना रहे हैं बेस, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांटिंग वाले पैड्स छोड़ने वाला हूँ, तो प्लांटिंग ही करेंगे, वो तोड़ा ताड़ी करेंगे ही नहीं। डन, कौन आ गया बट? अरे यार तुम इनसे लड़ोगे क्या, मुझसे लड़ पाओगे तुम? देखो अब तुम इसका अटैक देखो यार, घर पे अपने। ओके डन, मैं अपना बना रहा हूँ, ओए हट जाना भाई, मैं बीचों बीच इसे रखने वाला हूँ, मेरे को उड़ने वाला लाना चाहिए था यार, उचक के एक बार। ओके मैं एकदम बीचों बीच हूँ मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है मेरे को ये बना दो, हट जाओ यहाँ से हट जाओ। ओके डन, ये सही रहेगी जगह, चल भाई इसको बिल्ड कर दे तू, ठीक है तू बिल्ड नहीं करेगा क्या, मेरे को ही करना पड़ेगा। ओके मैंने बना दिया, अब देख के आते हैं अपन इसको एकदम परफेक्ट लोकेशन पर रखा है कि नहीं अपन ने, ठीक है इधर से ये इधर से इतना कवर कर रहा है, ये इधर आ भी तू कब काम आएगा, ठीक है ये पूरा स्टोन कवर कर रहा है, क्या स्टोन को तोड़ेंगे ये लोग बैठ के? नहीं भाई इसको मत तोड़ने लगना, ठीक है बहुत सही जगह कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। और बाकी जहां जहां स्टोन रखे इनकी जगह पे मैं बेरी प्लांटेशन वाले वो रख के देखूंगा, शायद ये स्टोन वापस नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले इस पैल बॉक्स में से अपन निकालते हैं प्लांटिंग वाले सारे पाल्स। हाँ और अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी ना कि ये प्लांटिंग हटा के कुछ अच्छी चीज बनाने की, तो इसको अपन बेस को चेंज भी कर देंगे या फिर पाल बॉक्स हटा भी तो सकते हैं, तो वो इन फ्यूचर में देख लेंगे। पहले इन पत्थरों को हटा देते हैं इन लोगों को, बाकी जैसे अब ये है ये सिर्फ प्लांटिंग करेगा, ये कुछ नहीं कर रहा है खड़ा होकर। तो अभी मैं देख लेता हूँ अपने पास दो प्लांटेशन के खुल रखे हैं, क्या टेक्नोलॉजी में और ऑप्शन है कुछ अच्छी चीज खोल का? ओके टमाटो प्लांटेशन ओपन हो गया, बट इसके लिए अपने को टमाटो सीड चाहिए होंगे, अब सीड कहां से लाएं भाई टमाटो सीड? ठीक है पहले इसको ओपन तो करते हैं। और ग्रेनेड ओपन हो गए गाइस, शॉक ग्रेनेड, एक इसकी शैडल ऑन करके देखनी है मेरे को, शायद ये उड़ाता है अपने को, बाकी सब बाद में देखेंगे। अभी मैं लेके आने वाला हूं बेरी प्लांटेशन के लिए सारी चीजें, सीड्स चाहिए वुड चाहिए, तो चलो यहां से। ओके टमाटो प्लांटेशन ऑन हो गया, इसके लिए टमाटो सीड्स मिलेंगे कहां से मेरे को तो यही नहीं पता, एक बार मैं घर जाके देखता हूं। बाकी बेड भी बनाने हैं भाई इन पेल्स के लिए, मेरे को घर जाने दो, पाल बेड्स में जो सामान लगता वो लेने दो, बहुत सारा वुड चाहिए मेरे को, और फाइबर 96 से पूरी ले ली मैंने, बाकी नेल्स चाहिए मुझे शायद थोड़ी बहुत। ओके बेरी सीड्स चाहिए, बेरी सीड्स चाहिए, बेरी सीड्स कहाँ मिलेंगे अब, मिल जाओ बेरी सीड्स, हर जगह रखे रहते हैं वैसे तो बेरी सीड्स। ओके 122 बेरी सीड्स मिल गए मेरे को, और मुझे चाहिए स्टोन, स्टोन यार उठा के कैसे लेके जाऊंगा मैं। ओह मेरे को एक टोमेटो सीड्स मिल गया है, सही है एक एक करके, एक सेकंड क्या मैं यहाँ बना सकता हूँ? यहाँ भी मेरे पास टोमेटो सीड है नहीं, एक ही टोमेटो सीड है भाई, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से मिला और कैसे
मिलेगा मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके मैंने अपनी पूरी इन्वेंटरी भर ली है, मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपने न्यू बेस पे। ये रहा अपना न्यू बेस। तो अभी फिलहाल अपन बेरी प्रोडक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे लगाएं, एक कोने से चालू करते हैं क्योंकि मैं पूरे में यही भरने वाला हूँ। ओके इनसफिशियंट मटेरियल, यार करो भाई तुम लोग काम करो, मैं काम करता हूँ। स्टोन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर ही दिया है, तो एक स्टोरेज बना दूं मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी ला के रखेंगे जिससे कि जो भी खाना प्रोड्यूस करें उसका टाइमिंग बढ़ता रहे। और एक फ्रिज वाला अपन बंदर छोड़ देंगे। तो स्टोन रखो यहाँ पे, वुड रखो, बेरी सीड्स, फाइबर, नेल्स, बाकी सब मैं अब खाली करके आता हूँ। चलो भाई इसके अंदर भरो सारा सामान, उठाओ। ओके मैंने अपनी इन्वेंटरी पूरी खाली कर दी है, अभी बस मुझे बहुत सारी वुड लेके जानी है। क्या मैं इतनी लग पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है डन, बस वुड की कमी पड़ रही थी और नेल्स की कमी पड़ रही है, वो भी मेरे को चेस्ट बनानी पड़ेगी तब। तो मैं जा रहा हूँ फटाफट से वापस न्यू बेस पे। उन लोगों ने खाना बनाना चालू कर दिया होगा, मैं इनके लिए बेड बनाता हूँ इस कोने में। एक बन क्यों नहीं रहा दूसरा? भाई दूसरा इतनी पास में बन ही नहीं रहा। ओके यहाँ बन रहा है, यहाँ बना दे। तीन, मैंने 15 बेड्स बनवा दिए और शायद अपन 15 पैल्स ही छोड़ सकते हैं। एक सेकंड देखने दो। ओके 8 बेड्स बने हैं ना, अभी बने नहीं है भाई, बन जाएंगे। मैंने क्या अभी भी एरर क्यों शो कर रहा है, रुको मैं बनवा देता हूँ। ओके हाँ बन जाएंगे, ठीक है डन, अपने आप हो जाएगा कैसे काम। बाकी अभी इनने बेरी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। ओके बेरी प्रोडक्शन हो रहा है, उनमें बेरी भी पड़े हैं, काम होना स्टार्ट हो गया है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे और लगवा देता हूँ एक और, ठीक है। बाकी मैं स्टोन ले आता हूँ अपने इस बेस से, इस बेस पे स्टोन पड़ा होगा थोड़ा बहुत। बाकी इस बेस पे मैं कुछ बनवाने की सोच रहा था ना। ओके वो मैंने मेरे को बनवाना था और माइनिंग साइट जिसके लिए इंगट नहीं है और पैलेडियम फ्रेगमेंट नहीं है। ठीक है इंगट और पैलेडियम फ्रेगमेंट मेरे को लेके आने, और हो सका था थोड़े बहुत स्टोन अपने तीसरे बेस के लिए। लेट्स गो, यहाँ पे इस साइड कुछ नहीं आता तो इस साइड मैं ये बनवा सकता हूँ। और कितना बड़ा है, फिक्स यहीं बनवा दूं। डन मैंने बनवा दिया है, अभी इस पे लोग बाग काम करना चालू करेंगे। और क्या ही फास्ट काम किया इन लोगों ने, करो ब्रो अब काम करो इस पे तुम लोग। यार उल्टा बनवा दिया क्या मैंने, इसका फ्रंट साइड ये नहीं था, इसको तोड़ने दो। ये देखो अभी अपनी ओर माइनिंग साइट पे लोग बाग काम कर रहे हैं। यार फिर ये ओर नहीं तोड़ेंगे क्या? हाँ मतलब इनका मूड बदलता रहेगा, ये लोग ये भी करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें इनने 11 ओर प्रोड्यूस करे हैं, क्या सही है ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर तुम लोग गाइस खेलते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना एक बार कि मैंने ओर फार्म पे ही एक ओर माइनिंग साइट लगा दी है, क्योंकि ये लोग फ्री हो जाते हैं ना जब इन चीजों से, तब घूमते रहते हैं, तो क्यों ना ये ओर और जनरेट कर देंगे इतनी देर में। बाकी मैं यहाँ फर्नेस भी लगाने वाला हूँ क्योंकि ये एक ही बंदा जो आग फेंकता है, तो एक बंदा अगर फर्नेस पे लगा भी रहेगा ना तो दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना फर्नेस अभी लगा दें। इसके लिए फ्लेम ऑर्गन नहीं है अपने पास, ठीक है छोड़ो, अगली बार अपन घर जाके आएंगे तो फ्लेम ऑर्गन लेके आएंगे। लेकिन अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, अभी अपन जा रहे हैं अपने प्लांटेशन फार्म पे, मतलब अपने फार्म हाउस पे बोलेंगे इसको, नहीं फार्म हाउस थोड़ी भाई, क्या बोलेंगे इसको, खेत पे, खेत है अपना खेत। चलो यहाँ मस्त काम चल रहा है, ये सारा सामान यार उठा उठा के भी तो रखा करो भाई तुम लोग, क्या घटिया लोग। अब इसके लिए मैं आऊँ तुम्हारा सामान उठाने के लिए। गाइस यहाँ पे भी अपने को एनुबीज वगैरह लगानी पड़ेगी, एनुबीज का यहाँ पे कोई काम है नहीं। और ये लोग लड़ गए यार, क्यों यार? छी भाई किससे लड़ रहे हैं लोग? अच्छा ये अपने से गुस्सा नहीं है, ये किसी और से गुस्सा है। तुम थोड़ी गुस्सा हो भाई उनसे, कहाँ जा रहे हो? अबे क्यों जा भाई, अभी उनको मार के आएंगे, हद हो गई है यार, ऐसे तो ये काम ही नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बना रहा हूँ ये जो चीजें बनाने दो मेरे को। एक यहाँ बनाऊ, आ गए भाई वो लोग यार, लेकिन ठीक है कभी आ जाएंगे, कभी मेरी वजह से आए क्योंकि मैं उनके पास गया ना, इसलिए वो मेरे से गुस्सा होके आ गए, बाकी वो आते नहीं। अरे हटो यहाँ से, हट जाओ भाई लोगो। हाँ ठीक है बस होगी, खुशी होगी, अरे हट जा, अरे भैया हट जा, मैं बना ही नहीं रहा भाई, हट जाओ। इसके लिए अपने को चाहिए वीट सीड मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे पूरे। बाकी एक बार के लिए इन सबको अंदर डालो, क्योंकि जो मेन प्लांटिंग वाले जो बंदे हैं ना वो सारे मेरे वहां पे लगे पड़े हैं अपने मेन बेस पे। तो पहले मैं अब ये उनको सबको मैंने उठा दिया है, अभी मैं इनको कंटिन्यू करता हूँ बनाना। डन एक और, ओके इनसफिशियंट मटेरियल, ठीक है छोड़ो ये इतना बन गया है। अभी एक बार के लिए मैं घर जाऊंगा और सारे प्लांटिंग वाले बंदे ये तो अपनी साइड से उठा के इस साइड पे ट्रांसफर करते हैं, और वहां के सारे बेरी प्रोडक्शन सब हटाओ भाई, हटाओ, हट जाओ। ओके मेरे पास बहुत सारा ज्यादा सामान हो गया, सब मैंने हटा दिया है। और मेरे पास इतना सामान कहाँ से आया क्या पता, लेकिन हाँ ये सामान काम आएगा। मैं बिना कोई सामान खाली करे वापस जा रहा हूँ यहाँ से। और अब ये लोग काम क्या करने लग गए, ठीक है अब थोड़ी बहुत जो तोड़ा फोड़ी का काम है वो करेंगे ये, लेकिन इनको यहाँ से हटाओ और वापस लेके चलो वहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लांटिंग वाले यहाँ बंदे लगा रखे थे जिससे कि मेरे को बहुत सारा खाना मिल जाए। बीच में मैं ऑफलाइन आया था तो मेरे को खाने की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है। और लेट्स गो न्यू वाले बेस पे, ठीक है मैं सामान तो ले आया हूँ, वीट प्रोडक्शन का भी सामान है मेरे पास। अभी ये लोग यहाँ आ गए थे, यहाँ आके पिटे हैं ये लोग, ठीक है। वीट प्रोडक्शन का मैं यहीं लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा हो रहा है, चल भी नहीं पा रहा मैं। दो वीट प्रोडक्शन के लग गए, अभी इनसफिशियंट मटेरियल, ठीक है डन। सामान मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और ये डन। अभी मेरे पास बहुत सारी जगह है, अभी मैं थोड़ी बहुत पैल्स छोड़ देता हूँ यहाँ पे जो अच्छे से प्लांटिंग करेंगे। जैसे कि हो गया ये, इसकी प्लांटिंग लेवल 3 है, ये हो गया इसकी भी प्लांटिंग लेवल 3 है, हैंडवर्क भी 2 है, और एक अपन एनुबिस छोड़ेंगे। यार और बनवानी पड़ेगी
जाएगी यार, इतनी सारी बनवाई फिर भी कमी हो गई। बाकी एक फायर वाला बंदा, क्योंकि खाना भी अपन यही पकाने वाले हैं। एक और ये, और इसकी वाटरिंग तो बहुत अच्छी है, इसकी भी वाटरिंग अच्छी है, इसकी भी वाटरिंग अच्छी है। तीन वाटरिंग वाले पेट छोड़ दिए, देखो मैं लाइन से छोड़ता हूँ, ठीक है। ये वाटरिंग, वाटरिंग और वाटरिंग, बस वाटरिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हैंडवर्क के लिए ये है, एक फायर वर्क के लिए ये है, ठीक है। तीन इसकी प्लांटिंग लेवल 3 है, इसकी प्लांटिंग लेवल 3 है, इसकी प्लांटिंग लेवल 3 है, ये भी हो गया। अभी अपने को चाहिए और क्या लगता है इसमें, शायद हैंडवर्क भी लगता है, तो हैंडवर्क के लिए ये 2 हो गए, ठीक है। और हैंडवर्क करने में कौन अच्छा है, मतलब ये हैंड से होता क्या है, एक बार को मुझे पैड रैक में जाके देखने दो। जिसको मैं हैंडवर्क हैंडवर्क बोल रहा था, वो हैंडीवर्क है, ठीक है। और गार्डनिंग के लिए भी चाहिए, गार्डनिंग चाहिए, प्लांटिंग चाहिए, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया सब, वाटरिंग के मैंने 3 निकाल दिए। तो इसके अंदर मेरे पास कौन सा पेट अच्छा होगा जो कि गार्डनिंग अच्छी करे, ठीक है। ये अच्छी कर रहा है, इसकी सेकंड लेवल की है, इसको निकालते हैं एक बार के लिए बाहर, क्योंकि और कुछ अच्छा है नहीं गार्डनिंग के लिए अपने पास। बाकी सबसे पहले तुम खाना पकाओ भाई। अरे यार इसके लिए विंगर्ड और फ्लेम और करनी है भाई, बहुत कुछ लाना पड़ेगा। क्या खाना क्यों खा रहे हो इतना? और देखो गाइस इसमें 110 प्लस ये भी मैंने लिए थे, 150 तो आ गया इसमें खाना, ठीक है। और मेरे को और छोड़ने यार यहाँ पे, अभी मैं और छोड़ सकता हूँ। इसकी गार्डनिंग वगैरह अच्छी है, नाइस, बट ये नहीं छोड़ रहे। ये भी अच्छा है, ये छोड़ते हैं, ये हैंडवर्क करा देगा। और कौन सा छोड़े, प्लांटिंग वाला बंदा छोड़ देते हैं, और क्या है, और एक वाटरिंग वाला बंदा छोड़ देते हैं, और एक, ठीक है चलो अभी के लिए मैंने गाइस ये छोड़ दिया। और अगर अच्छे अच्छे आएंगे प्लांटिंग वगैरह के लिए तो उन बंदों को छोड़ देंगे। बाकी देखो अभी सब जगह ये लोग यहीं लग रखे हैं, इधर उधर तो नहीं भटके हुए, डन, कोई इधर उधर काम नहीं कर रहा है, सारे इन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं, प्लांटिंग पे। देखो इसमें भी ग्रो हो रहा है, शायद ग्रो के टाइम पे अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ बाकी अभी यहाँ पे मैं इंगट वगैरह लाके, वो फायर वाला बंदा एक छोड़ रखा है ना मैंने, हाँ बस एक ही लगाएंगे, एक ही के ऊपर, क्योंकि बैरी बैरी बनाने वाले हैं ये, मेरे को पता है। मील लगा देंगे, मील पे वाटरिंग वाले बंदे भी तो हैं, ओके, एक मील लगाना भी बनता है भाई, बट मील के लिए स्टोन नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर में स्टोन इकट्ठा हो जाएंगे, स्टोन भी तो तोड़ ही रहे हैं लोग। अभी मैं लेके आने वाला था इंगट वगैरह, तो इंगट वगैरह लेके आते हैं। पहले इस वाले बेस पे जाके देखते हैं इस वाले बेस पे क्या चल रहा है, ठीक है। ओर वगैरह आए हुए हैं, ओर्स वगैरह भी तोड़ रहे हैं ये लोग, और इसमें कितने, इसमें भी 34 बना दिया भाई, कोई बुरा नहीं है इसको बनाना, कोई बुरा नहीं है, सही है, डन। अभी मेरे को लाना है इंगट लाना है, फ्लेम ऑर्गन लाना है, और इनके लिए दवाई लानी है। तो दवाई मेरे से 2 ही बन पाई थी, देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो कितना खाना बना पड़ा है, मैं इसमें और बनवा देता हूँ। 1400 क्यों बना रहा हूँ मैं बेस, पागल हूँ क्या? लेकिन ठीक है अभी काम आ जाएगा, क्योंकि ये सब जगह मेरे को रखना पड़ता है खाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बनवा दो, क्योंकि बाद में मैं चेंज करने वाला हूँ, वो तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं बनवा रहा हूँ। इसको उठाओ, इसको लगाएंगे अपन कोने पे, क्योंकि बहुत माता पच्ची है भाई। ये देखो कितना बड़ा एरिया साफ हो गया है, इसको भी अटवाओ। और अरे नहीं भाई तू बैठ के रखा है, खड़ा हो जाना। अभी मैंने ये तोड़ा, इसको अपन एकदम कोने में बनवा देते हैं, इसके बगल में, यहाँ सही रहेगा, डन। अभी मैं सारे पैल्स छोड़ने वाला हूँ, नहीं पैल्स छोड़ने से पहले इनके पाल बेड्स भी अट्ठाऊ, रुको पाल बेड में किधर करूं किधर करूं यार, इनके पाल बेड्स भी बहुत सारे पड़े ना गाइस। अभी अपन ये सारी वेपन असेंबली लाइन वगैरह हटाते हैं, इनको हटा के मैं वहां बनाने वाला हूं जहां पे वेपन असेंबली लाइन बनी हुई है। ये वेपन नहीं थी, ये कौन सी असेंबली लाइन थी, जो भी असेंबली लाइन से सारी हटा दूंगा मैं आज। हटाओ और इसको रखो इसके अंदर, ठीक है। इन असेंबली लाइन को मैं बनवाने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि अभी के लिए ठीक लगेंगी। अच्छा भाई प्रोडक्शन असेंबली लाइन बनानी ना एक, ये वेपन असेंबली लाइन है, ओके वेपन असेंबली लाइन है वो, ये हो जाएगी अपनी प्रोडक्शन असेंबली लाइन, ठीक है। और एक हो जाएगी, ओके स्फीयर असेंबली लाइन में है वो, डन। इसको अपन ओपोजिट करके अगर ऐसे बनवा दें, वो नहीं बन रहा, ओके ये सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और अब रखवा देते हैं, ये बन जाएगा अब ऐसे, डन। अभी देखो 1, 2 और 3 एकदम लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, इस पेड़ को हटा देंगे। बाकी पेड़ आए भी तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा यूज में आती है नहीं ये चीजें। बाकी इसको हटाओ, तो बैठ क्यों जाता है बार बार। अपने एडवांस असेंबली लाइन हटा दी है, एडवांस असेंबली बोल रहा हूँ मैं, एडवांस वर्क बेंच, और ये भी किसी काम की नहीं है, इसको भी हटाओ। और वेपन भी बन गया ना, वेपन भी हटाओ, ठीक है गाइस। कितना एरिया हो गया, देख रहे हो कितना एरिया होता जा रहा है धीरे धीरे भाई। हेलो बड़ी, अबे एक गोली से मर गई है तो, गुस्सा नहीं होने का ऐसे। मैं अपने पेल्स निकालता हूँ बाहर, फिलहाल के लिए मैंने ऐसी कुछ पेल्स बाहर छोड़ दिए जिससे काम तो हो जाए अपना। जैसे ये बनना चालू हो गए ना, ये बना रहे कोई, ये बना क्यों नहीं रहा भाई कोई। अच्छा पहले वो बनाने पहुंच गए वहां पे, डन। धीरे धीरे करके अपना एरिया बहुत खाली होता जा रहा है, और ये एक कण आ गया। ओह मेरे अंदर इतना सारा वुड क्या कर रहा। अच्छा मैंने यहाँ छोड़ दिया था यार, मेरे को है ना अपने बेस पे एनवीज बनवानी पड़ेगी, और एनवीज बनी थी किससे मुझे देखनी पड़ेगी भाई। ओके पैनकिंग और भूसी से शायद हो जाएगा काम। तो मेरे पास पैनकिंग कहाँ है, पैनकिंग था ना यार, वेयर इज द पैनकिंग भाई। ओके ये रहा, ये फीमेल है, ठीक है। तो पैनकिंग फीमेल है तो वो मेल होना चाहिए, कहाँ है भूसी, दोनों भूसी भूसी, ये रहा। ओके इसका एक मेल मिल गया मेरे को, एक फीमेल और एक मेल है मेरे पास भूसी में। और मेरे पास शायद 4 या 5 केक रखे हुए हैं, 4 केक रखे हुए हैं, अपने 4 एनवीज बन गए। डन यार इनको मैं यहाँ क्यों ले आया जेब में, इनको बाहर निकाल के आना है ना। डन एक रखो यहाँ, एक रखो यहाँ, इधर आओ भाई, इसको छोड़ो ब्रीडिंग फार्म में। डन एक ब्रीडिंग फार्म में लग गया है। अभी मेरे को लाना है अपने भूसी को, भूसी कहाँ, इधर। काम चालू हो गया गाइस, अपने को अभी 4
और एनओवीज मिल जाएंगे जो कि मैं इसी बेस पे छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो तुम, ये एक वुड दिख रही होगी तुम्हें बट इसके अंदर 1600 वुड्स पड़ी है जो कि मुझे रखवानी है भाई। वो रखेंगे नहीं तो अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही तो अपने पास समान है। बाकी अपना ये बन गया है जो कि ठीक ठाक लग रहा है अभी के लिए। पूरी मशीनरी एरिया लगने लग गया है ये वाला एरिया। चलो यार इंगट नहीं है यार, इंगट बनवाने पड़ेंगे गाइस, इंगट बनवाने पड़ेंगे। और वो इंगट अभी के लिए तो ऐसे ही बन सकते हैं कि मैं इस बेस पे जाऊं और जितना भी इंगट है, 11 इंगट में क्या बन जाएगा एक फर्नेस? ओके एक फर्नेस बन रहा है ना भाई, कितना सही काम हो जाएगा। अब देखो तुम, अब तुम देखो, बस तुम देखते जाओ। फर्नेस को रखेंगे चेस्ट के बगल में। अरे हट जाओ भाई तुम लोग, चलो तुम वहां पे काम करो। इसको मैं आगे रखवा देता हूँ, बनाओ इसको, बनाओ फटाफट, डन। अभी सारा बनवाने वाले हैं इसके अंदर, लेट्स गो। और ब्रो तू कहाँ काम कर रहा है? एक यहाँ पे वो था ना, आ गया भगता हुआ आ रहा भाई, भगता हुआ आ रहा। एक फायर टाइप पॉकीमोन और रख देते हैं जिसकी फायर लेवल 3 हो। बट ऐसा कोई बंदा है? फायर टाइप पॉकीमोन नहीं मिल रहा भाई मेरे को है। बूसी है, बूसी रखवा देता हूँ और क्या, क्योंकि मेरे को 3 लेवल का चाहिए था यार कोई। तो इसमें से इसको हटाओ, इसको रख दो यहाँ पे, बाकी मैं ले आऊंगा। मेरे पास फायर टाइप 3 का बंदा पड़ा है। अभी 12 इंगट मेरे को यहाँ से मिल गए, तो यहाँ से जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बनवा देता हूँ एक फर्नेस। फर्नेस नहीं, खाना पकाने वाला यंत्र, ये रहा। ओके 15 इंगट चाहिए, रुको रुको रुको, इतनी देर में तो 15 इंगट हो गए होंगे। देख रहे हो गाइस क्या फास्ट काम हो रहा है। मेरे को लगा था मेरे को इतने सारे इंगट बनाने पड़ेंगे बट नहीं। लेट्स गो यहाँ पे चलो और इन्वेंटरी में से निकालो पॉट, एक पॉट रखो इनके यहाँ बगल में। इसको बनाओ भाई सब लोग आके। यहाँ पे भी तो एक मैंने छोड़ रखा है ना फायर टाइप, वो उड़ रहा। ये फायर टाइप बंदा बनाएगा अपने बेरीज। हटो भाई हटो, डन। कितने बेरीज बना दोगे? 608 बेरीज तो अभी बन जाएंगे यहाँ। ओके लक्की डाय राहुल मिल गया मेरे को। पूरा मत मार ब्रो, अगर ये मेगा स्फीयर में ऐसे ही आ जाए तो ऐसे ही आ जाए भाई। बड़ा बहुत है कोई डाय राहुल, देखो तुमने कितना बड़ा था ये। बाकी आ गया अपने पास, चलो लेट्स गो भाई। सबका एक एक लकी पहल पकड़ लूंगा मैं। ये लोग सो गए हैं जाके, मैं भी सो जाता हूँ। 67 तो बेरीज बन भी गई। लेट्स गो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे को यहाँ पे एक बंदा छोड़ना है, रुको, जो मेडिसिन में अच्छा होता है ना बंदा। नहीं ओ ये है ना, ये है तो क्या बात है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अबे इधर आ इधर आ। अरे सामान वामान छोड़ और तू इस पे लग जा। कहाँ गया ये रहा। अब ये लोग मेरी बात मान जाए शायद। नहीं यार चलो अभी इनके बेड बनवाते हैं इस कोने में, ठीक है। इस कोने में ज्यादा कुछ काम आते भी नहीं है लोग। ओके एक एनओबी आ गई है अपनी। पहले इनके बेड्स को रखवाते हैं, एक बेड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। गाइस 3 बेड यहाँ बनवा दिए, मेरे को कोई और जगह देखनी पड़ेगी यार, ये सही जगह नहीं है। एक सेकंड, ये स्टोन माइनिंग अगर अपन यहाँ से हटा के कहीं और रख दें तो, बट नहीं ये भी सही जगह होगी नहीं। इसको तोड़ो, इसको हटाओ, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज लगाओ यहाँ पे और पाल बेड्स लगाओ यहाँ। इस जगह बाद में अपना घर आएगा बट फिलहाल तो इन्हीं का घर आएगा। 15 बेड्स मैंने बनवा दिए हैं, अपने आप बन जाएंगे थोड़ी देर में। बाकी अभी के लिए मैंने बहुत सही कर दिया सारी चीजें। और ये भी बन गई है, मेरे को सुई और बनवानी है यार। बोन्स नहीं है, बोन्स खरीद के लानी पड़ेगी मेरे को। चलो बोन्स बोन्स का देख लेंगे अपन। अपने को इनके अंडे उठा दो, ला भाई एक अंडा दे दे इधर, इसमें डालो, इसको निकालो और हेलो बडी वेलकम टू अवर वर्ल्ड, इधर जाने का और इसको उठाओ, इसको इधर आ जाओ। गाइस मेरे हेडफोन की बैटरी लो गई। अभी के लिए अपने बेस पे काफी जगह हो चुकी है, ठीक है। इस मील को भी यहाँ से हटाने वाला हूँ क्योंकि अपने यहाँ पे वीट प्रोडक्शन तो होता नहीं। अभी मेरे को जहाँ मील लगवानी है वहां मील लगा के देखता हूँ। मेरे को मील लगवानी थी अपने नए वाले बेस पे। इसको अपन लगाते हैं, इसको मील को अपन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बनाओ भाई इसको आके बनाओ फटाफट। इसके अंदर अपन सारा वीट डालेंगे। यार तुम कच्चा खाना खा के ना खत्म कर रहे हो, हटाओ इसको मत खाओ, इसको खाओ मस्त एकदम पका हुआ खाना खाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको। बाकी अगर एक और कुकिंग पॉट लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते अभी। कुकिंग पॉट लगाने के लिए अपने को चाहिए होगा थोड़ा सा तसला, काटो इसको। 20 वुड आ गई है अपने पास, इसको लो कुकिंग पॉट को और बनाओ यहाँ पे, डन। एक और बन सकता है क्या? एक और बना दो, नहीं बन रहा छोड़। इसके अंदर अपन सारी ब्रेड बटर जाम बनवाएंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पे रेड बेरीज भी हैं और फ्लोर भी, और सबसे बेस्ट फूड है मेरे को जहाँ तक अभी तक लगा, क्योंकि ये आसानी से बन भी जाएगा और ये बहुत हेल्थ बढ़ा देता है भाई। देखो अगर मेरे पास होगा तो मैं खा के दिखाऊं बट है नहीं, छोड़ो। मैंने बेरीज खा ली है और बाकी फूड जो कच्चा है वो इसमें रख देता हूँ। फ्रीज वगैरह अपन रखवाते रहेंगे। इधर थोड़े बहुत इंगट्स रखवा जाता हूँ, ऑर्गन रखवा। ओके यार इधर पूरा फिल हो रखा है ये। एक स्टोरेज भी बनवानी पड़ेगी, कोई सी नहीं बन रही, छोड़ो फिलहाल ये हो गया। अभी इस वाले बेस पे चलते हैं, क्या चल रहा है देखने दो एक बार। हाँ भाई तुम लोगों के लिए मैं वो लाया, जो डिप्रेस्ड है और जो वीक है वो मेरे पास आ सकता है, उसको हम दे देंगे इंजेक्शन। लाया था ये लो भाई, तुम लो। गाइस मेरे को ऐसे दो दो करके देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास इतने है ही नहीं भाई बनाने के लिए। फिर भी मैंने बहुत कम कर दिए। देखो अभी बस 3 एनओबी बचे हैं जिनको वीक और डिप्रेशन है, तो वो भी मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ पे सबको हो रखा था भाई, कुछ सबको हो रखा था। बाकी एक बेड की कमी है तो एक बेड बनवा देते हैं इनके लिए। चलो एक बेड बन जाएगा यहाँ। और अभी देखो यहाँ पे 199 तो यहाँ आ रखा है और
और 100 इसने पका दिया है और 138 इसमें आ गया है। ओर की ना कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भाई, और खाना नहीं है इनके पास। एक सेकंड, अरे यार ये डिप्रेशन में जाएंगे तो जाएंगे सही। बनाया भाई तूने खाना, बनाया ना, ला दे। अब मुझे गाइस कुछ इस तरीके से सब जगह खाना रख के आना पड़ता है क्योंकि खाने की बहुत कमी हो रही है। देखो भूखों की तरह खा रहे हैं भाई, भूखों की तरह। लेट्स गो, यहाँ से भी चलते हैं वापस से अपने बेस पे और थोड़ी देर माथा ठंडा करते हैं। कितना हाइड्रिक काम किया गाइस, देखो कितना हाइड्रिक काम किया। ओके, अभी मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ और मुझे लगता है मैंने लगभग सारा काम कर दिया है। कितनी माथा फोड़ी होगी जी भाई तीन तीन बेस में। अगर आगे जाके अपन और बेस बना सकेंगे तो और कितनी ज्यादा माथा फोड़ी होगी। ठीक है, आगे का आगे देखेंगे। बाकी मेरे को एक सैडल बना के देखना था जो कि मैंने अनलॉक किया था, अभी इसी एपिसोड में अनलॉक किया था ना स्टार्टिंग में मैंने ये वाला। ठीक है डन, ये वाला मैंने अनलॉक कर दिया। क्या मैं अभी बना सकता हूँ इंटरनेट की? मुझे कुछ लाना पड़ेगा। अरे यार ये वाला, ओके ये रहा। इसको गाइज यूज करके देखना है मेरे को, इससे अपन शायद उड़ सकते हैं ऐसा मैंने वीडियोज में देखा है, बट उसका अलग कलर का था जो वीडियो में था वो ग्रे कलर का था। इसको बनाते हैं फटाफट और देखते हैं। ओके, बना तो मैंने लिया है, अब ये पैड ढूंढना पड़ेगा यार मेरे को। अभी फिलहाल ही पकड़ के लाया था मैं जब अपन गए थे आइस बायोम में। मिल गया भाई, मिल गया। लॉक्ड क्यों शो कर रहा है? अच्छा मैंने एक्वायरी नहीं किया था। यहाँ से पकड़ू कैसे इसको? इधर विंटर ट्रैप, मेरे को कुछ और बनवाना पड़ेगा क्या? एक सेकंड रुको, ये स्फीयर असेंबली लाइन है, इसके अंदर ये बनवा देते हैं जितने बन जाए। इस पे जाना है मेरे को और ये कुछ तो विंटर करके इधर आ। विंटर वाला क्या बनवाना है? ऐसा से तो है ये भाई, कुछ तो छपा हुआ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको यूज कैसे करें। क्या कुछ अनलॉक करना पड़ेगा? गीगा ग्लाइडर है बट ऐसा विंटर करके कुछ तो नहीं है, क्योंकि देखो अभी इसको अपन छोड़ रहे ना तो ट्रैप सी ये किस चीज के लिए है? अरे इसकी मैंने शेडल बनाई, बताओ ये कोई बात होती है? ई आइटम्स में जाके देखते हैं ये क्या काम करता है। ग्लव्स फॉर जेंटली होल्ड ऑन द हैंगायू। ओके, अरे यार ये ग्लाइडर के काम आएगा जी भाई। अगर अपन इसको छोड़ दें और अगर अपन यहाँ से ये देखो, अब कोई उड़ने वाला होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक मस्त चीज आ गई है। नाइस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने एक अपना फार्मिंग बेस बना लिया है, मतलब ज्यादा काम का तो नहीं है बट उससे अपने को अनलिमिटेड फूड मिलेगा और आने वाले टाइम पे अपन उस बेस को चेंज कर देंगे किसी के साथ। मेनली उसको बनाने का पर्पस था अपनी बेस को खाली करना और अपना बेस बहुत ज्यादा खाली हो चुका है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।